नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे, मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी, आज ही कराए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डी सी एन एस। तो खबर की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत। सागर संभाग कमिश्नर पहुंचे दमो, चल रहे निर्माण कार्यों का लिया जायजा, बच्चों से की स्कूल में बात तो किसान से भी जाना हाल। श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदापुर को बनाया जाए उप तहसील, युवाओं ने सौंपा ज्ञापन। श्री शिव महापुराण सुनने के लिए उमड़ा जन सैलाब। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें, खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा के समीप एक वाहन दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। क्षेत्र में शोक की लहर देखी जा रही है। तेजगढ़ निवासी एक युवक वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे गंभीर स्थिति में तेंदुखेड़ा ले जाया गया था। तेंदुखेड़ा में उपचार के बाद उसे दमो रेफर किया था। उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। बताया जाता कि किसी काम से युवक जबलपुर गया था, वापस लौट रहा था, तभी तेंदुखेड़ा के समीप गड्ढे पर उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी तलाश लगातार जारी है। वहीं घायल युवक को काफ़ी गंभीर चोटें आई थी, जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया था, जहाँ उसकी मौत हो गई है। क्या नाम है आपको? निक्की राजपूत तेलगा। और इनको? नारायण राजपूत। कहाँ से कहाँ जा रहे थे जी? ये जबलपुर से घर आ रहे थे तेलगा। कहाँ एक्सीडेंट? तेंदुखेड़ा के पास बंगोल के गड्ढा पे एक्सीडेंट हुआ, अज्ञात वाहन से, उसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या के लिए गए जी? थोड़ा काम से गए। आपके कौन कहलाए? ये हमारे बड़े भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? तब की घटना है ये 19 तारीख रात 12 बजे। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया है, अज्ञात वाहन की तलाश लगातार जारी है। संजय सरवरिया, लकड़ी से। दमो के श्री सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर को उप तहसील का दर्जा दिया जाए, जिसके चलते यहां पर किसानों के काम हो सके, साथ ही यहां पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें भी बेहतर बनाया जाए। इस आशय को लेकर युवाओं के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। बताया जाता है कि यहां पर जो सरपंच हैं इस क्षेत्र के, उनके द्वारा इस पत्र पर हस्ताक्षर किए कि यहां पर उप तहसील का दर्जा मिलना चाहिए। युवाओं से जान लेते हैं क्या क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं। हम सब मित्रों के साथ में आज ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर महोदय को। ये समस्या है हमारे बांदकपुर के, बांदकपुर तीर्थ क्षेत्र है, जागेश्वरनाथ की नगरी है, जहां पर एक स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर किसी प्रकार से अगर रात्रि में अगर किसी प्रकार की डिलीवरी या किसी प्रकार से दुर्घटना होती है तो अस्पताल में जाने अगर कोई भी इलाज कराने जाता है तो वहां पर रात्रि में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता है, क्योंकि वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और राजस्व से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो हम लोगों को हिंडोरिया एक उप स्वास्थ्य के उप तहसील बन गई है तो वहाँ जाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे एक मांग करने आए कलेक्टर महोदय जी से
कि हमारे बांधकपुर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, जहां पर रात्रि में डॉक्टर उपलब्ध रहे और बांधकपुर को उप तहसील का दर्जा प्राप्त हो जाए, जिससे हमारे कम से कम 18 से 20-25 पंचायतें आती हैं बांधकपुर क्षेत्र के अंतर्गत, तो वहां के ग्रामीणों को एवं वहां की जो पेशेंट रहते हैं या बीमारी में जो जूझ रहे होते हैं या राजस्व से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उस चीज में हम लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसमें पूरे समस्त 18 पंचायतों के सरपंचों के लेटर पैड पे उनने अपनी सहमति प्रदान की है, जो हम कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए और एवं हमारे बांधकपुर की दो मुख्य मांगे हैं उनके लिए मांगों को पूरा करने के लिए कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन ठाकुर है बांधकपुर के पास बमोरी पंचायत से आए और सभी साथियों के साथ आए हैं और समस्या ये भाई साहब हमारे यहाँ पे कि आसपास के 15-20 ग्राम है तो वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी स्वास्थ्य समस्या आ जाए तो वहाँ बांधकपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें उतनी सुविधाएं नहीं है। और दूसरी समस्या कि दमो पड़ जाता है 15-20 किलोमीटर हर ग्राम पंचायत के लिए, तो राजस्व की समस्या भी वहाँ पे जाती है, यहाँ तक आना पड़ता बड़ा दूर पड़ता है। ठीक है, तो आसपास के सभी ग्रामों से सरपंचों की सहमति से सभी के लेटर पैड हैं, सबने सहमति दी है लेटर पैड के माध्यम से, तो उन्हीं की समस्याओं को लेकर आए हैं कि बांधकपुर में एक उप तहसील और व्यवस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो जाए और ताकि हम लोग को और आसपास के ग्रामों को ये समस्या से न जूझना पड़े। संजय सरवरिया, लखी डीसीएन न्यूज, तमाम। हटा अनुभाग के गैसावा थाना पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहाँ पर एक किसान परिवार के साथ महिला थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों के द्वारा जमकर मारपीट की गई। इस बात की शिकायत पीड़ित परिवार के द्वारा दमो कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से भी की गई है। जमीनी विवाद के चलते बताया जाता है यहां पर एक विवाद हुआ था, कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। घनसू और रामेश्वर प्रजापति ने बताया कि वह गरे में मुख्य सड़क पर उनकी जमीन है, जिसके चलते कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। उनके द्वारा अब शिकायत करने का प्रयास किया गया, स्थगन भी यहाँ से अलग कर दिया गया। अब संपूर्ण परिवार के साथ लगातार मारपीट की गई है। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, आइए सुनते हैं। हो गया आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ है साहब के हमारी जमीन में कब्जा कर रहा है और हम जब रहे वो बना रहा है पेट्रोल पर पंप और है, हम रोक भी गए वहाँ पे बैठे रहे सुबह से, न हमने ईटा उतारा नहीं, न हमने गिट्टी खाली करा नहीं, ट्रक खड़े रहे और कह रहे कि यहीं उतरेगे वो तो यहीं काम लगेगे और ऐसा हम वहीं बैठे रहे 10 बजे तक। कौन कह रहा था ऐसा? वे पुलिस वाले फोन लगाए थे, पुलिस वालों ने गोली चौरसिया ने कहा भाई पुलिस बुला रहे हैं, हम लोग वहीं बैठे रहे, हमारे पास पुलिस पहुंच गई, सो हम घूम के आए, सो हम इनके पकड़ के बैठा लाई, हमने कही हमें नहीं बैठना, हमने कौन सा जुर्म करो कि हम थाने जाए, कह रहे नहीं नहीं चलो, सो हम जबरदस्ती पकड़ पकड़ बैठा रहूं, तो हमें गिर गए रोड पे, सो फिर हमें मारो प्रीति पांडे ने और राधे मुंशी ने मारो और हमें इतने मारो पकड़ पकड़ जितना मारो सब ले में और फिर इतने आए सो इतने हमें ससुर पिताजी के मारो, हमने कहा कि अब मारे ही डार होगा कि इतने मानदार चोरी तेरे लात में लात मारूंगी तेरे मुँह में, ऐसी कहते और ऐसो गालियां दे रहे थे, गालियां दे रहे थे और ऐसे बुरी बुरी और कहते के वहाँ ना जाना काम बंद कराने के लिए, उनको वो होगा वहाँ ऐसे केस फट गए है, जीत गए हैं वैसे काम करान दे आप लोग वहाँ ना जाना बंद कराने के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता प्रजापति है। क्या हो गया है? हम लोग गैसाबाद के निवासी गर्रे मोदी में जमीन है, 40 साल से हम लोग उसमें फसल उगा रहे हैं, हम लोगों ने नक्शादार के लिए कलेक्टर ऑफिस तहसीलदार साहब को लिखित आवेदन दिए हैं, 2 माह से लगातार आवेदन दे रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज सुबह जबरदस्ती अतिक्रमण किया जा रहा था तो उसको रोकने के लिए हमारी महिलाएं हमारे पिताजी ने किसने अतिक्रमण किया? श्रीकांत चौरसिया, रूबी चौरसिया। मारपीट किसने की? तो फिर उन लोगों ने मारपीट की, फिर थाने ले जाकर बंद कर दिया और थाना प्रभारी प्रीति पांडे और राधेश्याम मुंशी ने हमारी महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की, इसलिए हम लोग बहुत घबराए हुए हैं, भयभीत है, डरे हुए हैं और हम लोग 2 माह से कलेक्टर साहब के पास, तहसीलदार, एसपी सर के पास गए हैं, इसमें कोई हम लोग को न्याय कहीं नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम लोग बहुत डरे, हम लोग घर नहीं जा सकते, इसलिए डरे हुए हैं। हम लोग की मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम लोग जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने की कृपा करें।
किसने थाना प्रभारी ने मारपीट की है? जी क्या कह रही थी वो? मारपीट की हमारी तीनों महिलाओं के साथ, हमारे पिताजी के साथ। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का कहना है कि उन लोगों ने पैसे लिए कि तुम लोग वहाँ जमीन पे नहीं जाओ, अपनी जमीन पे नहीं जाओ। जी जमीन आपकी है? जी हम लोग 40 साल से फसल उगा रहे हैं। नाम क्या है आपका? रामेश्वरी प्रजापति। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सागर संभाग कमिश्नर आज दमोह जिले के दौरे पर थे। उनके द्वारा परमासी से अपना दौरा प्रारंभ किया। अनेक स्थानों पर वे पहुंचे जहां राजस्व अमले के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के संबंध में जानकारी ली, तो वहीं नए मेडिकल कॉलेज जो निर्माणाधीन है वहां भी पहुंचे। उनके द्वारा साइट विजिट किया गया, अधिकारियों से जानना चाहा गया आखिर कितने वक्त में ये काम कम्प्लीट हो जाएगा, दमोह में कब तक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो सकता है। निर्माण कार्यों का उनके द्वारा जायजा लिया गया। आप देख सकते हैं उनके साथ दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद है। तेजी से काम किया जाए ऐसा उनका कहना है। वहीं इसके अलावा भी उनके द्वारा अनेक क्षेत्रों में जाकर निर्माण कार्यों को देखा गया। विशेष रूप से सागर संभाग कमिश्नर श्री रावत एक स्कूल में भी पहुंचे, बच्चों के साथ उनके द्वारा चर्चा की और ये जानना चाहा गया कि किस तरह से यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, अधिकारी किस तरह से इसमें लगे हुए हैं। सपनों का बोल दो। इसके साथ ही वह सीतानगर बेबस सुनार पार्ट टू के जो कार चल रहा है उसको देखने के लिए पहुंचे। यहां पर कुछ समय पूर्व दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा जब निरीक्षण किया गया था तो काम की काफ़ी धीमी गति थी, साथ ही कई अनियमितताएं थी जिसको लेकर उनके द्वारा पत्र भी लिखा गया था। अब सागर संभाग कमिश्नर यहाँ पहुँचे जिनके द्वारा जहाँ जानकारी ली गई तो वहीं निरीक्षण भी किया गया। इन तमाम निरीक्षण के संबंध में हमने सागर संभाग कमिश्नर डॉक्टर बीरेन सिंह रावत से चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से हमें बताया गया। किया और स्कूल में जो है वो शिक्षकों को समझाई दी गई कि वो समय पर आए, समय पर कार्य कर दो और साथ ही अच्छा पढ़ाए बच्चों को, है ना। किचन सेट देखे गए और एमडीएम को डैम देखा गया और वहाँ की जो जल अपनी जल जीवन मिशन का जो ये कार्य हो रहा है उसको देखा गया, उसमें विलम्ब हो रहा है उसके लिए भी जल्दी करने का निर्देश दिया। आज का जो भ्रमण मेरा था, विजिट था आकस्मिक रूप से, इसमें जो हम लोगों ने सबसे पहले जो राजस्व महाअभियान 3 जो चल रहा है तो उसमें निरीक्षण किया। वहाँ पर नामांतरण बंटवारा और इसकी समीक्षा की गई, उसमें आवेदन अच्छे आ रहे हैं और निराकरण समय पर हो रहा है। उसके बाद जो है नामावली का जो निरीक्षण किया तो उसमें फार्म के बारे में जानकारी दी गई और सीएम राइज स्कूल जो बिल्डिंग बन रही है उसको भी देखा, तो समय सीमा में कार्य पूर्ण हो ऐसा निर्देश दिए गए और साथ ही कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया, मेडिकल कॉलेज बन रहा है और वो भी बताया गया कि 31 दिसंबर 2025 तक बन जाएगा, उसमें भी क्वालिटी का और उसके गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है।
इस अवसर पर विभाग के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। नमोनार के फुटेरा वार्ड नंबर 2 श्री राम जानकी मंदिर में इस समय संगीतमय श्री शिव महापुराण चल रही है। महंत श्री 108 पंडित बिपिन बिहारी दास जी महाराज के मुखारविंद से भक्तों को इस कथा का अमृतमय ज्ञान दिया जा रहा है। भक्त काफी भाव विभोर नजर आ रहे हैं, लगातार भक्ति की गंगा में डूबे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ा है। प्रतिदिन इसी तरह से भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। दोपहर 1 बजे से ये कथा प्रारंभ हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनसैलाब उमड़ा है भगवान की कथा सुनने के लिए। गंदी राजनीति की सोच सिर्फ वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है इसमें। हमारे धर्म शास्त्रों में जात पात का जहर नहीं घोला। हमारा धर्म शास्त्र को कहता है, यह धार्मिक मंच कहती है कि जात पात पूछे नहीं कोई, तो हरि का भजे सो हरि का होई। हम तो सूत्र वाले हैं। कौन कहता था कि सनातन धर्म में जात पात का लेखा था? और अगर जात पात का लेखा था तो मीराबाई तो छत्राणी थी, सबको पता है मीरा कौन थी, छत्राणी। पर मीरा के गुरु जी कौन थे? संत श्री रैदास जी। अब कहां का जात पात का जहर भर गया? तुलसीदास जी ब्राह्मण परिवार से थे, तुलसीदास जी के गुरु जी कौन थे? सुना है कभी? तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम था श्री नरहरिदास। किस जाति के थे पता है? स्वामी समाज से। तुलसीदास जी के जो गुरु जी थे श्री नरहरिदास, वो स्वर्णकार समाज से आते थे। अब कहां का जात पात? अरे अपना तो एक ही सूत्र है कि जात पात पूछे नहीं कोई, तो हरि का भजे सो हरि का कोई। जो भगवान का भजन करे वो अपना है, और जो भगवान का भजन ना करे तो हमने तो धुंधकारी और रावण को भी पछाड़ दिया, हटा दिया अपनी जगह से। भले ब्राह्मण था पर कोई भी कथा व्यास कभी रावण कथा नहीं गाता है। जाति का था पर कर्म उसके ठीक नहीं थे, आचरण आदतें उसके ठीक नहीं थी। और आज जो एक जात पात का ये जहर घोला जा रहा है, ये जात पात का जहर धर्मशास्त्रों में घोला है। और अगर जाति पाति लोग कहते ब्राह्मणों ने बनाई है, और अगर जाति पाति ब्राह्मणों ने बनाई है, तो जाति का प्रमाण पत्र लेने कचहरी क्यों जाते हो? ब्राह्मणों के यहां जाओ फिर। जाति पाति का प्रमाण पत्र कौन देता है? कहां बैठोगे, कहां नहीं बैठोगे? भगवान के दरबार में कोई जात पात नहीं होती। ये जात पात का जहर इन नेताओं ने बनाया है। कछु के जो उन समाज के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, ये समाज के अध्यक्ष हो समाज के अध्यक्ष, एक आध दिन आधी रात इनके घर जाकर तो देख लो। आयोजक बग्गे ठाकुर के द्वारा सभी का आभार भी जताया गया है कि लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके द्वारा कथा श्रवण की जा रही है। भंडारे में भी लोगों से उपस्थिति की अपील की गई है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। सागर जिले के कड़ाकोटा के तिलकबाड़ में संगीतमय श्रीमद भागवत कथा चल रही है। खिरका मोहल्ले में ये कथा चल रही है। चौथे दिन श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथा व्यास पंडित श्री रामगोपाल चौबेरे ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारने के लिए भादों की अष्टमी के दिन कड़े पहरे के बीच जन्म लिया। गोकुलवासी बड़े उत्सव के साथ इस दिन को मनाते हैं। नंद के आनंद भव जय कन्हैया लाल की जयकारे यहाँ पर सुनाई दिए है। मुख्य यजमान श्रीमती लक्ष्मी रानी, राजेंद्र यादव, पार्षद एवं जनपद सदस्य मुकेश यादव, कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान जमकर नाचे।
इस अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक दीपक भार्गव, भारत चौरसिया पूर्व उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, हप्पू यादव, अजय नेमा, विशाल कुर्मी, राकेश यादव सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। हमारी इज्जत निकाल रहा, हमारी इज्जत तो तुम्हारा स्वामी कर रहा है और तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि तुम हमें रोक रहा है। बोलो हाँ रोक रहा है, शराब दे नहीं रहा है, चल जा मृत्यु लोक में राक्षस हो जा, दैत्य हो जा, शराब दे दिया श्री दामाद। ये हो सोई गुस्सा चढ़ जाए, सही न सोई कह देंगे तुम सोई जाओ मृत्यु लोक में जन्म लेने पर। दो ही जनों हो इन्हें वन हो दे दे, उन्हें वन हो दे दे। श्री वसुदेव नंद जी के संरक्षण में रहती रातों रात को हो पता नहीं करो साथ में बलदाऊ। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलमा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमो के बुंदेली जलमा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत, हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलमा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहां पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी, वहीं तमाम लोगों के लिए कक्षित व्यवस्था होगी, वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा, वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए, आप अपना वीडियो इस नंबर पर दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हैं, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की, लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत। सागर संभाग कमिश्नर पहुंचे दमोह,
चल रहे निर्माण कार्यों का लिया जायजा, बच्चों से की स्कूल में बात तो किसान से भी जाना हाल। श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर को बनाया जाए उप तहसील, युवाओं ने सौंपा ज्ञापन। श्री शिव महापुराण सुनने के लिए उमड़ा जन सैलाब। तो ये थे वैसे की कुछ खास खबरें, अगले न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे, देश मेरे, साथ चले। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी, तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता देखो। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।